चोपड़ा और अमेरिकन सिंगर निक जोनस एक ऐसा कपल है जो कि बीते साल से ही काफी ज्यादा खबरों में बना हुआ है। नमस्कार, मैं हूं अजय यादव और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। साथ ही स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे आज के इस खास प्रोग्राम ट्रेंडिंग बॉलीवुड में। ट्रेंडिंग बॉलीवुड में मैं आपको बताता हूं कि कैसे कुछ खबरें लगातार ही ट्रेंड में होती हैं, कुछ स्टार्स लगातार ही ट्रेंड में बने होते हैं और इन दिनों लगातार ही प्रियंका और निक ट्रेंड में बने हुए हैं और इस बार क्यों दोनों ट्रेंड में बने हुए हैं ये ही है आज का ये प्रोग्राम द एलन डीजेनरेस शो। जी हाँ, काफी फेमस शो है ये। हॉलीवुड स्टार्स तो इस शो पर दिखते ही रहते हैं लेकिन इस बार पहुंची हैं बॉलीवुड की देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा इस शो पर। इस शो के कुछ हाइलाइट्स आज मैं आपको अपने इस प्रोग्राम के जरिए दिखाने वाला हूं। सबसे पहले अपनी हेडलाइन से ही शुरुआत करता हूं और आपको बताता हूं कि कैसे प्रियंका चोपड़ा को निक जोनस की वजह से बार बार उनको अपनी नजरें झुकानी पड़ी थी और साथ ही साथ क्या कुछ हुआ एलन के शो में। जी हाँ, प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस हाल ही में शादी के बंधन में बंधे थे। जहां 1 और 2 दिसंबर को दोनों ने शादी की थी तो वहीं शादी के बाद से ही लगातार खबरें बनती रही इनकी गेस्ट लिस्ट को लेकर। जी हाँ, लगभग 200 मेहमान इस गेस्ट लिस्ट में पहुंचे थे, इस शादी में शरीफ हुए थे लेकिन इस गेस्ट लिस्ट में कई लोग ऐसे भी थे जो कि मौजूद नहीं रहे और उनके बाद खबरें बननी शुरू हो गई जिसमें से एक थी एलन। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार इनका शादी में क्यों इनको आना चाहिए था, तो आपको बता दें कि निक जोनस की लैंडलॉर्ड रह चुकी हैं एलन, तो इन्हीं के इस बार शो में प्रियंका चोपड़ा पहुंची। प्रियंका चोपड़ा ने सबसे पहले बात की कि किस तरीके से 200 मेहमान आए थे सिर्फ, जबकि 1000 मेहमान से भी ऊपर की गेस्ट लिस्ट थी जिससे उनकी मम्मी काफी नाराज हुई थी। इसके अलावा लगातार ही प्रियंका चोपड़ा बात करती रही कि किस तरीके से एलन को शादी में नहीं बुलाया गया था, जबकि वो मजाक में बार बार ये कह रही थी कि आपको शादी में इनवाइट किया गया था लेकिन हमें लगा कि आप इंडिया नहीं आना चाहती या फिर कोई और बात है जिस वजह से आप शादी में शरीफ नहीं हो रही हैं। अब क्या कुछ बातें हुई हैं एलन और प्रियंका चोपड़ा के बीच में, आइए दिखाते हैं आपको अपने इस खास रिपोर्ट के जरिए। साल 2018 की तारीख 1 दिसंबर और 2 दिसंबर, आम दिनों की तरह ये दिन भी शुरू हुआ और खत्म हुआ लेकिन किसी के लिए दिन बेहद खास बन गया। जी हाँ, आप सभी से हम बात कर रहे हैं प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस की। 1 दिसंबर और 2 दिसंबर साल 2018 को दोनों शादी के बंधन में बंधे, जहां हिंदी रीति रिवाजों के अलावा क्रिश्चियन रीति रिवाजों से भी दोनों ने शादी की। शादी में 200 मेहमान मौजूद थे और इन मेहमानों की लिस्ट जो थी काफी कम इस वजह से थी क्योंकि प्रियंका चोपड़ा चाहती थी कि शादी में सिर्फ और सिर्फ करीबी लोग और परिवार वाले ही शामिल हो, इसी वजह से लिस्ट को काफी कम कर दिया गया था। लेकिन इस लिस्ट की चर्चाएं हाल ही में हुई है एलन डीजेनरेस शो पर। आपको बताना चाहेंगे कि ये काफ़ी फेमस शो है जो कि एलन का है, जहां पर हॉलीवुड सितारों को तो आप अक्सर ही देखते रहते होंगे लेकिन इस बार इस सीट पर जाके बैठी हैं, काउच पर जाकर बैठी हैं प्रियंका चोपड़ा, जिन्होंने एलन से काफ़ी सारी बातें की। बॉलीवुड की देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा ने सबसे पहले तो ये खुलासा किया कि उनकी मम्मी यानी कि मधु चोपड़ा बिल्कुल भी खुश नहीं थी उनके इस आइडिया से कि शादी में सिर्फ 200 लोग ही शामिल हो। निक जोनस के साथ उनकी शादी हो और सिर्फ 200 लोग, ये बिल्कुल भी गवारा नहीं था प्रियंका चोपड़ा की मम्मी यानी कि मधु चोपड़ा को। जी हाँ, एलन डीजेनरेस शो पर भी प्रियंका चोपड़ा ने इसी के बारे में बातचीत की, इसी गेस्ट लिस्ट के बारे में बातचीत की और उन्होंने कहा कि उनकी मम्मी चाहती थी कि शादी में कम से कम 1000 लोग शामिल हों, जिसमें कि प्रियंका चोपड़ा के ज्वेलर, प्रियंका चोपड़ा के हेयर ड्रेसर और साथ ही कई और दोस्त जो कि शादी में शामिल नहीं हो पाए थे उनको भी शादी में बुलाना चाहिए था। इस बात से प्रियंका चोपड़ा की मम्मी काफ़ी ज़्यादा ही नाराज़ थी। खैर दोस्तों, ये तो बात रही किस तरीके से प्रियंका चोपड़ा ने एलन से बात की अपनी मम्मी मधु चोपड़ा के बारे में। अब आपको आगे ये बताते हैं कि कैसे सिर्फ मम्मी मधु चोपड़ा के बारे में नहीं, प्रियंका चोपड़ा ने ये भी बताया कि किस तरीके से निक और वो मिले, किस तरीके से दोनों करीब आए और किस तरीके से दोनों का प्यार परवान चढ़ा। जी हाँ, निक जोनस जो कि काफ़ी मशहूर सिंगर हैं, ये एक इवेंट के दौरान मिले थे। दोनों में नज़दीकियाँ तब बढ़ी जब प्रियंका चोपड़ा को निक जोनस ने मैसेज किया था।
जी हाँ, दोनों की चर्चाएं तभी से होने लग गई थी जब एक फेस्टिवल के दौरान दोनों साथ में रेड कार्पेट पर मिले थे। तभी से ही दोनों के अफेयर की खबरें मीडिया में लाइमलाइट का कारण बनी हुई थी, लेकिन किसी को क्या पता था कि ये कपल शादी कर लेगा, क्योंकि इनकी एज में भी कहीं ना कहीं 10 से 11 साल का फर्क है। जी हाँ, तो वहीं शादी भी हुई और साथ ही अब शादी की चर्चाएं हो रही हैं। जिस चर्चा के बीच चर्चा हुई, किस तरह से प्रियंका चोपड़ा अपने एम्बेरेसिंग स्टफ्स भी निक जोनस को दिखाया करती थी, हॉरिबल स्टफ भी निक जोनस को दिखाया करती थी, और साथ ही उन्होंने एक दूसरे के करियर के बारे में भी एक दूसरे को बताया, यानी कि प्रियंका अपने करियर के बारे में निक जोनस को बताती थी और साथ ही निक जोनस प्रियंका चोपड़ा को अपने करियर के बारे में बताते थे। आपको ये भी बताना चाहेंगे कि अब वक्त हो चला था एलन का प्रियंका चोपड़ा को ताना मारने का। दरअसल शादी में प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस की नहीं बुलाया गया था एलन को। आपको याद दिलाना चाहेंगे कि एलन जो है वो निक जोनस की लैंडलॉर्ड रह चुकी हैं, यानी कि एलन के घर पर भी रह चुके हैं निक जोनस, और उनको शादी में ना बुलाना एलन के लिए भी सबसे बड़ा शौक था। तो वहीं प्रियंका चोपड़ा की नजरें झुकी रह गई अपने पति निक जोनस की वजह से, और वहां पर हजारों लोग मौजूद थे, क्योंकि शो जो है हजारों लाखों की तादाद में फॉलो किया जाता है और ये शो इंडिया में भी काफ़ी फॉलो किया जाता है, जिस वजह से प्रियंका चोपड़ा ने कई बार कोशिशें की हैं एलन को ये बोलने की कि हम लोग काफ़ी ज़्यादा ऑफेंडेड थे, यानी कि काफ़ी ज़्यादा ही गुस्से में थे कि तुमने हमारे इनवाइट का जवाब नहीं दिया था, रेस्पॉन्ड नहीं किया था। तो वहीं बार बार एलन ये कहती रही ये बात सच नहीं है, मेरे पास कोई भी इनवाइट नहीं आया है। तो वहीं प्रियंका चोपड़ा आगे ये भी कहते हैं कि मुझे लग रहा था कि एलन इंडिया नहीं आना चाहती हैं, एलन को अच्छा नहीं लगेगा इंडिया आना, बट ऐसा लगा कि मानो वो रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रही हैं। मजाक मजाक में प्रियंका चोपड़ा ये सब बातें कहती रही, और उन्होंने ये भी बोला कि उनके पति निक जोनस काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप शेयर करते हैं एलन के साथ, और वो काफ़ी ऑफेंडेड थी कि एलन क्यों शादी में नहीं आई, और उन्होंने ये भी बोला कि मैं तो सिर्फ वाइफ हूँ इसलिए मुझे कुछ भी नहीं पता। जी हाँ, ऐसे ही बोलते बोलते एलन को इनविटेशन नहीं गया था, और एलन ने इस बात का जिक्र हजारों लोगों के बीच अपने शो में कर दिया था। तो वहीं शो में अगर आगे बात की जाए तो शो काफ़ी दिलचस्प मोड़ पर अंत हुआ था। जी हाँ, शो में प्रियंका चोपड़ा ने जिस तरह से फिर से शॉट्स लिए थे, तो वहीं प्रियंका चोपड़ा को एक तोहफा भी दिया एलन ने, और ये शो काफ़ी ज़्यादा ही वायरल हो रहा है और काफ़ी ज़्यादा ही फॉलो भी किया जा रहा है। तो वहीं अब आप सभी को ये भी याद दिलाना चाहेंगे कि प्रियंका चोपड़ा जो कि इन दिनों हॉलीवुड प्रोजेक्ट्स में काफ़ी ज़्यादा ही बिजी नज़र आ रही हैं, वो फाइनली द स्काई इज पिंक, जी हाँ, फरहान अख्तर के साथ उनकी ये फिल्म है जिसमें जल्द ही प्रियंका चोपड़ा को आप देखने वाले हैं। अब प्रियंका चोपड़ा का क्या इस फिल्म में रोल होता है, कैसे प्रियंका चोपड़ा नज़र आती हैं, और प्रियंका चोपड़ा की इस वापसी को जो कि फिर से हो रही है बॉलीवुड में, उनके फैंस कितना पसंद करते हैं, ये देखना भी काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। दोस्तों, निक जोनस और प्रियंका चोपड़ा की जिस तरीके से चर्चाएं एलन के शो पर हुई हैं, उस तरह ही अक्सर ही चर्चाएं होती रही हैं प्रियंका चोपड़ा की शादी की भारत में, लेकिन जिस तरह से उन्होंने निक जोनस जो कि मशहूर अमेरिकन सिंगर हैं, उन्हें इंडिया में भी काफ़ी फॉलो किया जाता है, उनसे उन्होंने शादी की, तो अपने आप में ये शादी चर्चाओं का विषय बन गई। हर कोई फैन इस शादी से जुड़ी हर एक अपडेट से रूबरू होना चाहता था, और अपडेट्स आ ही नहीं रही थी, लेकिन फाइनली 1 और 2 दिसंबर को दोनों शादी के बंधन में बंधे। लेकिन फिर चर्चाएं हुई कि आखिरकार 200 मेहमानों के बीच शादी कैसे सिमट कर रह गई थी, कैसे खत्म हो गई थी सिर्फ और सिर्फ 200 मेहमानों के बीच। जी हाँ, काफ़ी इंटीमेट अफेयर रखा गया था इसको, सिर्फ और सिर्फ फैमिली के ही लोग मौजूद रहे थे, और आज मैंने आपको इस प्रोग्राम के ज़रिए बताया कि कैसे तमाम बातचीत जो हुई है एलन और प्रियंका चोपड़ा के बीच में, कैसे निक जोनस का इनवाइट नहीं गया एलन को, ये बात अपने आप में ही काफ़ी ज़्यादा आश्चर्यचकित कर देने वाली थी, लेकिन इसके पीछे भी कई सारे रीजंस छिपे हुए थे जो कि आपने आज के इस प्रोग्राम में देखे होंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि एलन डीजेनरेस शो पर प्रियंका चोपड़ा आखिरकार पहुंची कैसे, तो आपको याद दिलाना चाहेंगे कि प्रियंका चोपड़ा हॉलीवुड फिल्मों में भी नजर आती हैं। जी हाँ, बॉलीवुड तक ही वो सीमित नहीं है, हॉलीवुड के कई सारे प्रोजेक्ट्स उनके पास रहते हैं, और अभी भी
खबरों के अनुसार वो किसी हॉलीवुड प्रोजेक्ट में काम कर रही हैं, जहां कई सारी सीरीज में भी वो नजर आ चुकी हैं। इसके अलावा प्रियंका चोपड़ा जल्द ही बॉलीवुड में भी दस्तक देंगी। जी हाँ, पहले तो प्रियंका चोपड़ा थी ही, लेकिन काफी गैप हो गया है प्रियंका चोपड़ा को फिल्मी पर्दे पर देखकर। लेकिन अब वो द स्काई इज पिंक, जिसमें फरहान अख्तर भी हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं, इसी मूवी के साथ प्रियंका चोपड़ा आप सभी को पर्दे पर दिखने वाली हैं। दोस्तों, आज के इस प्रोग्राम में हमने आपसे बात की प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस की शादी को लेकर, किस तरीके से प्रियंका और निक दोनों ही चर्चाओं का विषय बने आपने ये भी जाना। इसके अलावा आपने ये जाना कि दी एलन डी जनरेट शो पर किस तरह की बातें हुई प्रियंका और एलन के बीच में, और कैसे देसी गर्ल जो है पूरे तरीके से विदेश में भी छाई हुई है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, और ये था हमारा आज का खास प्रोग्राम ट्रेंडिंग बॉलीवुड। और ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए चैनल के साथ साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।